जी तो रिया स्टूडेंट, कैसे? उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। पेपर की तैयारी भी अच्छी हो रही होगी। तो बात चल रही है पास्ट पेपर का, जो बहुत अहम सवाल है कि क्या पास्ट पेपर से एग्ज़ाम्स में सवाल आते हैं, क्या अगर हम इसको सिर्फ पास कर लें तो क्या हम पास हो सकते हैं। तो ये बीकॉम पार्ट वन और टू के हवाले से बात हो रही है, चाहे तो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, चाहे तो आपकी थ्योरी सब्जेक्ट है। बच्चों, पास्ट पेपर जस्ट एक प्रैक्टिस है, पहले मैं आपको बता दूँ, ठीक है? सबसे पहले फाइनल, ये आपके एडवांस की बात करते हैं, फाइनल अकाउंट का जो इसमें क्वेश्चन है, मुझे कई स्टूडेंट ने कहा है कि बहुत से टीचर्स कह रहे हैं कि गेस्ट पेपर से आया, तो बच्चों ये पेपर 100% जो है ना, ये रॉन्ग है। पहली बात है, ऐसा सवाल जो है बुक में है ही नहीं है, ना लिस्ट्रेशन में है और ना ही आपकी एक्सरसाइज में है। ये सवाल सिर्फ उसी बच्चे ने किया होगा जिसका कॉन्सेप्ट होगा, जिसको एडजस्टमेंट आती होगी, जिसे पता है कि उसकी क्या ट्रीटमेंट करनी है, ठीक है? इसके अलावा जितना भी पेपर था, डिपार्टमेंट का हो गया, हायर परचेज का हो गया, और बोनस शेयर का हो गया, अकाउंटिंग रेशो का हो गया, ये सारे वही क्वेश्चन हैं जो स्टूडेंट को करवाए गए थे और उसी में से पेपर आया, ठीक हो गया? तो कॉन्ट्रैक्ट का नहीं आया, अभी तो कॉन्ट्रैक्ट का भी लगाया गया था लेकिन कॉन्ट्रैक्ट का नहीं आया, लेकिन तैयारी सारी करवाई गई थी। ये नहीं कि बस ये छोड़ दें, ये कर ले, वो कर ले। अब मैं आपको बताता हूँ, अकाउंटिंग रेशो का भी जो स्टूडेंट को करवाया गया था वो भी इसमें से ही आया। बच्चों मेरी बात सुने, पास्ट पेपर में आप तैयारी कर रहे हैं, मोस्टली स्टूडेंट ने ये कहा कि जी अकाउंटिंग रेशो का तो इसी टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, उन्होंने बस ये तैयार कर लिया, लेकिन इस बार तो बिल्कुल उसके बरक्स आ गया। बच्चों पास्ट पेपर जस्ट एक प्रैक्टिस है, ये कन्फर्म नहीं है, ना ही ये कि 100% कॉपी पेस्ट उठा के दे देगा। अब स्टैट की बात ले रहे हैं, स्टूडेंट तैयारी करते हैं लेकिन कई सालों से पेपर तो उसे आ ही नहीं रहा, वो अंदर अंदर से चीज़ें उठा के दे रहे हैं। ये तो जस्ट बताया जा रहा है कि ये चैप्टर तैयार कर लो, इसमें से सवाल आना है। तो ये अगर आप पास पेपर के ऊपर बैठे हो, अगर ऐसी बात है तो सारे स्टूडेंट पास हो जाते हैं, बड़े अच्छे नंबर ले देते हैं, बीकॉम का रिजल्ट बड़ा अच्छा आ जाता ऐसा तो। लेकिन बीकॉम में सब्जियाँ जितनी ज़्यादा बज रही है, उसकी वजह ये है कि गलत गाइड किया जा रहा है, स्टूडेंट को ये बताया जा रहा है कि ये बहुत मुश्किल है, ये आपसे नहीं होना, पेपर छोड़ दे, ये किस्मत पर डिपेंड करता है, एग्जामिनर अच्छा मिल जाए तो आपको नंबर दे देगा, एग्जामिनर अच्छा नहीं मिलेगा, अगर आपकी किस्मत अच्छी नहीं होगी तो नंबर ख़राब। तो ये सब झूठ है, जबकि मेरे नज़दीक बीकॉम सबसे ज़्यादा आसान है, ठीक हो गया? और अगर आपको सबसे बड़ी मैं एग्जाम्पल देता हूँ, I2B का पेपर जो उससे पिछले साल में आया था, तो एनुअल में, वो तो कोई पास पेपर का कोई सवाल ही नहीं आया होता, सारा पेपर उसने घुमा के दिया होता, और उसी स्टूडेंट ने क्या है जिसको ये पता है कि भाई इसके अंदर क्या लिखना है और ये हमसे क्या पूछना चाह रहे हैं। तो ये तो आप खुद देख लें, EOP का जो पेपर आया वो भी आपका पेपर पास पेपर से नहीं आया था, सवाई चांद एक दो क्वेश्चन के, बाकी उसने घुमाए हुए थे कि इसके साथ डालना है, इसके साथ करना है। तो पास पेपर कोई बच्चों गारंटी नहीं है। अब यहाँ पर सारे जो शुरू हो गए जी, आप ये कर लें, वो कर लें, मेरा आपको ये सजेशन है बच्चों, अगर मैंने गेस्ट पेपर तैयार किए होते ना तो मैं ए के साथ बी प्लान भी रखता हूँ, ठीक है? ये नहीं होता कि बस ये गले को, मुझे स्टूडेंट ने कहा जी ये कोई सवाल हो, एक कोई हमें 5 क्वेश्चन या 10 के आप जो है ना गेस्ट दें, 10 सवालों के कोई गेस्ट नहीं होते, रिस्की गेस्ट मैं कभी भी नहीं देता, मैं जो भी गेस्ट देता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह उसमें ए और बी प्लान दोनों शामिल होता है, ताकि अगर ये वाला नहीं चीज़ आई तो ये वाला क्वेश्चन आ गया, स्टूडेंट ने उसे कवर कर लिया। तो पास पेपर गारंटी नहीं, जस्ट प्रैक्टिस है। अब एक बच्चे ने क्या किया, CGS का जो सवाल था कोस्ट में, सारा उसने पास पेपर हटा मार लिया। अब हुआ गया कि एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन आया वो उसके बरक्स आ गया। तो बच्चों ये तो जस्ट एक प्रैक्टिस होती है कि आप प्रैक्टिस करो कि मुझे सवाल आता है, कितना आता है, ये वो चीज़ है, चाहे एडवांस की बात हो, स्टैट की हो, कोई भी चीज़ हो, ठीक है? ये सारी वही चीज़ें हैं, रट्टा मारना। कभी कभी होता है कि वो क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं, एक या दो क्वेश्चन आ जाता है। कभी कभी होता है कि जैसे कि पिछले साल में जाए तो कंप्यूटर का जो पेपर था वो सेम जो पास्ट पेपर में था वो उन्होंने दे दिया। तो ये हर वक्त नहीं होता, मैं आपको बता रहा हूँ, हर वक्त नहीं होता। तैयारी हमेशा स्टूडेंट को चाहिए वो अपनी पूरी रखे, ठीक है? इवन कि अगर एक स्टूडेंट लास्ट में पढ़ने के लिए आता है, उसको भी तैयारी उतनी करनी चाहिए कि वो हर तरफ से जो है सेफ हो गया। अगर ये सवाल आ गया मैं कर सकता हूँ, अगर ये सवाल आ गया तो मैं ये भी कर सकता हूँ, ये वो चीज़ें नहीं हैं। तो मैं आपको यही बता रहा हूँ कि ये सारी गलत गाइडेंस चल रही है, और स्टूडेंट भी शायद उनको शायद पता नहीं चलता या उनको नज़र नहीं आता, वो चले जाते हैं पीछे जो उनको कह रहे होते हैं। जब बच्चों सप्ली आती है तो जिनके पीछे आप पढ़े होते हैं, सप्ली की फ़ीस तो नहीं उन्होंने भरनी ना आपकी, वो तो फीस आपने खुद ही भरनी है। मुझे बताएं, जो आपको ये आइडिया दे रहा है कि पेपर छोड़ दो, अभी रहने दो, ये कर लो, वो कर लो, अगर इन केस आपकी सप्ली आ जाती है तो उसका ज़िम्मेदार कौन है? क्या वो आपकी फ़ीसें भरेगा? क्या वो इसकी ज़िम्मेदारी लेता है कि वो बात नहीं बच्चे हम आपकी फ़ीस भर देंगे, जो ये 11,000 देनी है, नेक्स्ट टाइम ये कोई 12 के करीब होनी है। तो ये बड़ा आजकल गलत सोचा चल रहा है। अब बच्चे ने कहा कि जी ये वाला क्वेश्चन है, मैंने कहा क्वेश्चन तो बच्चे याद रहे, यहाँ से आपको इस चैनल से जब भी न्यूज़ मिलेगी हमेशा रियल मिलेगी, कोई भी ऐसी फेक चीज़ आपको यहाँ से नहीं मिलेगी। जो काम करवाया है वो बताऊँगा आया एग्ज़ाम्स में, और जो काम नहीं करवाया गया वो बताऊँगा कि ये जो है एग्ज़ाम में आया और ये नहीं हमने करवाया। थ्योरीज देख रहे हो, मैंने नहीं करवाया। वेंचर की एक क्वेश्चन आया वो था एडवांस में, वो मैंने नहीं करवाया। तो जो चीज़ें करवाई हैं वो मैंने आपको बता दी है, और जो पेपर अलहमदिल्ला उसमें से आया हुआ है। दूसरी बात है, यहाँ पर स्टूडेंट लगे हुए कि हम चार्जेस बता दें,
कितने मर्ज़ी है ले लें, देखना ये एक अजीब बात है जितनी मर्ज़ी ले लें। पहले मैंने आपको बताया कि गेस्ट पेपर सिर्फ उन्हीं बच्चों को मिलते हैं जो यहाँ पर पढ़ते हैं, जो सब्जेक्ट वो पढ़ेंगे उसी चीज़ से मुतालिक उनको गाइड किया जाएगा। ऐसे किसी बच्चे की यहाँ पर कोई जगह नहीं है जो दो नंबरी करने के लिए आते हैं। अभी हाल में 3-4-5 बल्कि स्टूडेंट्स ने दो नंबरियाँ की हैं, मुझे आप देखें, और उन्होंने बड़ी एक अलीज ज़बान इस्तेमाल की है जो हम सोचते भी नहीं हैं कि स्टूडेंट ऐसा भी कर सकता है, और बाद में कह देते हैं कि जी हमारा आखिरी चांस था तो हमसे ऐसा हो गया। अच्छे स्टूडेंट तो कभी भी ऐसे नहीं करते, तो आखिरी चांस आपका है तो उसमें आपका कसूर है, हमारा नहीं है। यहाँ पर ऐसे ही होता है ना कि जो चीज़ सही होती है उसके पीछे लोग जो है ना नहीं भागते, जो चीज़ कहीं पे सही ना होती और वो बस घेर रही होती है तो बच्चे सारे वहीं पे भागते हैं। आप यकीन माने कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने अभी उनके पास बुक भी नहीं थी एडवांस, ये कह रहे थे कि जी हमें PDF सेंड करते हैं, हमने तैयारी करनी। ऐसा भी हाल होता है स्टूडेंट्स का, तो ऐसे स्टूडेंट तो आप खुद समझे कि किस तरह के होंगे। तो खैर मैंने आपको बिल्कुल रियल बात बताई है, बुक्स होती हैं, आप बुक से तैयार करें, अच्छे तरीके से तैयार करें, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें तो इंशाल्लाह आप पास होंगे। हो ही सकता है कि आपकी सफरी है। मैं कहता हूं कि अगर स्टूडेंट एग्ज़ाम से 6 दिन में या 5 दिन पहले भी आता है और वो सीरियस होकर पढ़ता है जो काम उसको हम देते हैं तो वो भी पास हो जाता है। ये सारे मेरे पास प्रूफ है, मैंने आपको दिखाया भी, इस बार मैंने आपको प्रूफ दिखाए हैं, लास्ट चांस वाले बच्चों का प्रूफ दिखाया है, कोई चीज़ फेक नहीं है। इतना हमारे पास फार टू टाइम नहीं है कि हम फेक चीज़ें बनाएं और अपने व्यूज़ घेरे हैं और बच्चों को भी पास बनाएं। व्यूज़ आप देख सकते हैं मेरे कितने हैं, ठीक है, मैंने उस पहली वीडियो से भी बनाया। अगर मुझे व्यूज़ घेरने होते तो मैं भी दूसरों की तरह जो है गलत थंबनेल पता नहीं क्या कुछ डाल देता, लेकिन हमें ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों की। हमें तो स्टूडेंट को सिर्फ जो है ना रियल बात पहुँचानी है ताकि स्टूडेंट किसी जो है गुमराही का शिकार ना हो सके। लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा ऑनलाइन ऐसे टीचर्स आ रहे हैं जो स्टूडेंट्स को क्या कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, ठीक है। बच्चों को पता ही नहीं कि उन्हें क्या करना है, बच्चे भी पागल है, जो उनको कहा जा रहा है वही करी जा रहे हैं। तो मैं आपको यही कहूँगा कि पढ़ें ज़रूर लेकिन थोड़ी सी अक्ल रखें कि सही क्या और गलत क्या है। क्लियर हो गया? तो ये थी आज की वीडियो, जो था वो मैंने आपको बता दिया।